चलो, तो गुड इवनिंग। इस बार का जो अक्टूबर का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के, मैंने आपसे व्यूज मांगे थे कि आप लोग को डायरेक्ट अफोरिज्म वन से चाहिए या फिर ओरिजिन से चाहिए। तो मेजोरिटी ऑफ लोगों ने ओरिजिन ही बोला था, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। पर मैं अपना आपको रीजन बता देता हूँ कि मैं ओरिजिन से स्टार्ट करना क्यों आपको चाहता था, कि आप ओरिजिन से ऑर्गेनॉन को समझें। और इसी चीज से हम स्टार्ट करेंगे कि क्यों ऑर्गेनॉन का ओरिजिन जानना इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों ये सब्जेक्ट जिसको बहुत मेजोरिटी ऑफ लोग थियोरेटिकल मानते हैं, क्यों ये हमारे पढ़ने के लिए प्लस हमारे एप्लीकेशन के लिए, दवाई देने के मेथड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। काइंडली सब अपने माइक म्यूट कर लेना, बीच में डिस्टर्बेंस होगी वरना। चलो, तो एक बेसिक सवाल से मैं स्टार्ट करता हूँ, जो आप लोग जिनको भी आंसर करना हो वो आंसर करें, कि क्यों पढ़ते हैं हम ऑर्गेनॉन, क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है इस सब्जेक्ट की हमारे होम्योपैथिक फील्ड में। ऑर्गेनॉन एक सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर से, अब एनसीएच के अकॉर्डिंग अगले साल से फर्स्ट ईयर से ऑर्गेनॉन स्टार्ट हो रहा है फिर से। तो आप आपको फर्स्ट ईयर में भी एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है। तो आपको क्यों लगता है कि क्यों हम ऑर्गेनॉन की पढ़ाई करते हैं शुरुआत से, फर्स्ट ईयर से, क्या रीजन है इसके पीछे का, या क्या प्रोवाइड करता है ये सब्जेक्ट हमें? सर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब हमने जहां तक सुना है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो फिजिशियन यूज करता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज। इसमें सर हैनिमन ने अपने रूल्स एंड प्रिंसिपल एक फिजिशियन को डिस्क्राइब करके बताया है कि कैसे फिजिशियन एक बेस्ट रेमेडी और उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल सही कहा तुमने। हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, हम एक सिमिलम के सिलेक्शन के पर्पस के लिए इसको पढ़ते हैं। पर अगर बहुत अच्छे से समझना है ना कि इसका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी साइंस, जो हम ये साइंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये कैसे डिफर करती है बाकी की साइंसेस। अगर हम एलोपैथी का लेते हैं या होम्योपैथी का लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ बैठ जाओ। अगर हम एलोपैथी या होम्योपैथी की बात करते हैं, तो ये कैसे डिफर करती है, या और साइंसेस, एंटीपैथिक साइंसेस हैं, ये हैं, ये कैसे डिफर करती हैं, ये हम कैसे समझते हैं। अगर इस चीज को हमें समझना है, तो जॉर्ज डिमिट्रिस, एक ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही अच्छे फिजिशियन है, होम्योपैथिक फिजिशियन है, उनकी ये सेंटेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर ऑल द ओनली एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन होम्योपैथी एंड ऑल अदर थेरेपीज इज इट्स फिलोसॉफिकल एंड प्रैक्टिकल फाउंडेशन ऑन सिमिलर्स। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि होम्योपैथी की जो फाउंडेशन है, कैसे हम अदर साइंसेस से डिफर कर रहे हैं, ये प्रोवाइड करती है आपको ऑर्गेनॉन, क्योंकि ऑर्गेनॉन आपको ये फिलोसॉफिकल और ये प्रैक्टिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करेगी जिसपे आप ये सिमिलिया का लॉ प्रैक्टिस करने वाले हो। अगर आप ऑर्गेनॉन को हटा दोगे, और अभी एक सेमिनार हुआ था हमारे कॉलेज में, कुछ लोग जानते होंगे, डॉक्टर रजत चट्टोपाध्याय सर का, वो कलकत्ता में एक कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल हैं। तो वो बोल के गए थे कि अगर, और वो एनसीएच के मेंबर भी हैं, ये जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन होम्योपैथी में होते हैं ना, वो ड्राफ्ट करते हैं। तो वो कह के गए थे कि अगर आपको इंडिया से होम्योपैथी खत्म करनी है ना, तो आप ऑर्गेनॉन को एज अ सब्जेक्ट हटा दीजिए, एक साल में होम्योपैथी खत्म हो जाएगी। तो ये ड्रास्टिक स्टेटमेंट्स जो बोले जाते हैं सब्जेक्ट के लिए, क्यों? क्योंकि ये आपको वो फिलोसॉफिकल और वो प्रैक्टिकल फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या डिफरेंट है एलोपैथिक, क्या कर रहे हैं, हेट्रोजेनस कर रहे हैं, नहीं पता कोई रिलेशन नहीं है डिजीज का और मेडिसिन का। एंटीपैथिक क्या करते थे, कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस क्यूरेंटर करते थे, कि जो है उसका अपोजिट देना है। हम क्या करते हैं, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर करते हैं। और ये सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर कैसे करते हैं, किस पे बेस्ड है, कैसे आया है, ये आपको पूरा। किसी का माइक ऑन है, बंद कर ले, नहीं तो इको हो रहा है। तो कैसे आया है ये आपको समझना है, तो आपको ऑर्गेनॉन समझनी पड़ेगी। अब बात आती है, ठीक है, ऑर्गेनॉन समझना है तो हम अफोरिज्म वन से क्यों ना पढ़े, क्यों हम ये देखें कि क्या हनीमैन सोचते थे, क्या उनका बैकग्राउंड था, ये क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आप एक बात को समझिए कि कोई भी साइंस जब पनपती है ना, तो वो कहाँ से पनप रही है, किस इन्वायरमेंट में पनप रही है, किन लोगों के अगल बगल से पनप रही है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
क्यों? क्योंकि अगर हनीमैन उस समय पे जो एलोपैथिक प्रैक्टिस एंटीपैथिक प्रैक्टिस कर रहे थे, अगर उस समय पे हनीमैन को वो कमी महसूस ही नहीं होती, तो क्या आज होम्योपैथी इतना आगे बढ़ पाती? क्या सिमिलिया के बारे में हनीमैन का दिमाग जाता? और हम लोग बहुत एक सुपरफिशियल वे में पढ़ते हैं कि कलिंस मटेरिया मेडिका ट्रांसलेट कर रहे थे, अचानक से एक दिन उन्होंने पढ़ा कि अरे सिंकोना बार्क में ये होता है, तो उन्होंने होम्योपैथी बना दी। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है दिमाग का। आज के लेक्चर में मैं आपको यही प्रूव करने वाला हूं कि हनीमैन इतने सुपरफिशियल फिजिशियन या डॉक्टर नहीं थे कि बस एक दिन उनको ऐसा लगा कि अरे ये कड़वी चीज देके क्यों ठीक हो रहा, और उन्होंने होम्योपैथी चालू कर दी। हनीमैन ने अपने जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण इयर्स लगाए हैं पूरी मेडिकल साइंस को स्टडी करने के लिए, और फिर वो इस कंक्लूजन पे आए थे कि अगर कोई तरीका है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, तो वो यही तरीका है सिमिलिया का। इसी के रिगार्डिंग अब आजकल जनरली नोशन क्या बना हुआ है कि प्रैक्टिकलिटी की जो लाइफ है वो थियोरेटिकल लाइफ से बहुत डिफर करती है। सब लोग आपको बोलेंगे, सीनियर्स हो गए, टीचर्स हो गए, बोलेंगे बेटा ये किताबों की दुनिया से बाहर आओ, प्रैक्टिकल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। नो डाउट प्रैक्टिकल लाइफ में बुक से कुछ अलग मिलता है, पर अगर बुक्स की थ्योरेटिकल नॉलेज आप नहीं लेंगे तो यू कैन नेवर बिकम प्रैक्टिकल इन लाइफ। और ये मैं नहीं, डॉक्टर जी एच क्लार्क कह रहे हैं। डॉक्टर जी एच क्लार्क से जब ऑर्गेनॉन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने लिखा, इट इज एस्टोनिशिंग हाउ लिटिल इज नोन बाय होम्योपैथ्स जनरली अबाउट द ऑर्गेनॉन। इट इज सेल्डम द फर्स्ट बुक दैट इज गिवन टू अ स्टूडेंट। आई बिलीव देर इज अ नोशन दैट इट इज चीफली कंसर्न्ड विद द थ्योरी ऑफ होम्योपैथिक्स एंड एवरीबॉडी इज सो प्रैक्टिकल नाउडेज। डॉक्टर क्लार्क सार्केस्टिक वे में बात कर रहे हैं कि आजकल दुनिया इतनी प्रैक्टिकल हो गई है, सबको लगता है ऑर्गेनॉन थ्योरी है, इसको क्यों पढ़ना। पर वो कहते हैं कि इफ देर इज वन डिस्टिंग्विशिंग फीचर मोर देन अनदर अबाउट द ऑर्गेनॉन, इट इज दैट इट इज प्रैक्टिकल। इट कंटेन्स थ्योरी नो डाउट, बट थ्योरी इज द मोस्ट प्रैक्टिकल ऑफ ऑल थिंग्स, वी कैन नॉट मेक प्रोग्रेस विदाउट इट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अ थ्योरी इज समथिंग टू सी बाय। आप इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में आए, डिजीज क्या होता है, डिजीज के लिए मेडिसिंस कैसे बनाई जाती हैं क्योर करने के लिए, क्योर हम किसको कहते हैं, मेडिसिंस बनाई जाती हैं तो वो कब रिपीट करनी है, कैसे रिपीट करनी है, क्यों रिपीट करनी है, ये समथिंग टू सी बाय आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है होम्योपैथी में? ये आपको ये बुक आपकी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है। इस बुक को हटा दीजिए तो आप एक अंधी राह पर चल देंगे, एकदम रोशनी नहीं है वहां पर। इसीलिए बहुत फेमस स्टॉलवर्ट्स ने कहा भी है कि इट इज एन इल्यूमिनेटिंग लाइट That will guide you to the truth. Dr. L.M. Khan के गुरु थे Dr. ज्ञान मजुमदार, जिनका आप प्रीफेस पढ़ते हैं इसमें Dr. L.M. Khan सर का, उसमें आप देखेंगे उन्होंने लिखा है कि अगर मटीरिया मेडिका को आप घोड़ा समझते हैं ना, तो ऑर्गेनॉन उसकी लगाम है जो उसको कंट्रोल करती है। और ये Dr. G.H. Clark जो इतना बड़ा नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, he was very good at मटीरिया मेडिका। इनकी 3 volume में मटीरिया मेडिका आती है, इनकी क्लिनिकल रिपर्टरी आती है, ये मेडिसिन के स्ट्रॉन्ग आदमी है, लेकिन ये थ्योरेटिकल ऑर्गेनॉन के बारे में ये चीज कह रहे हैं कि इट इज समथिंग टू सी बाय, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब ओरिजिन की जब हम बात करते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो हमें कुछ चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कि कहा कि एक कलिंस मटेरिया मेडिका ट्रांसलेट करने में होम्योपैथी नहीं बनी थी। अगर आपको समझना है कि होम्योपैथी कैसे बनी थी, तो ये कुछ पैराग्राफ्स हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं हनीमैन के, जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन करिए उस जमाने में 1790s की मैं बात कर रहा हूं, जब हनीमैन नॉर्मल प्रैक्टिस फिजिशियन की तरह कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये किस तरीके की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, वो पेशेंट को ज्यादा हार्म प्रोवाइड कर रही है। और एक कंजेक्चरल आर्ट है, कंजेक्चरल आर्ट किसे कहते हैं कि ऐसा होता होगा तो हम ये करके देखते हैं, प्रूवन कुछ नहीं है, ये प्रूवन नहीं है कि ये वाली डिजीज इसी चीज से होती है तो इसको निकालो, बस सोच रहे हैं कि ऐसा होता होगा, कि कंजेक्चर्स हैं ये, कि आप सोच रहे हैं कि अच्छा ये ब्लड है ये कॉज कर रही होगी तो हमने कैसे ठीक करना है, ब्लड को हटा देते हैं अपने आप सब ठीक हो जाए। हनीमैन बोले ये कंजेक्चर्स पे, ये साइंस, मेडिकल साइंस जिसमें इंसान की लाइफ डिपेंडेंट है, इट कैन नॉट रिलाई ऑन कंजेक्चर, इस पे प्रूफ चाहिए, इस पे एक्सपेरिमेंट्स चाहिए, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये इन्होंने यहाँ पर ये पैराग्राफ लिखा, ये हनीमैन के द्वारा लिखा गया ही है। आई काउंट इट टू माई क्रेडिट दैट इन रीसेंट डेज
आई हैव बीन अलोन इन सब्जेक्टिंग इट टू अ सीरियस इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन. ये कोई मजाकिया यूं ही एक दिन की दो दिन की इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये अनप्रिजुडाइज्ड वे में बहुत सीरियसली करी गई, परिश्रम से करी गई एक्सपेरिमेंटेशन है. एंड दैट आई हैव लेड बिफोर द वर्ल्ड इन साइंड और एनोनिमस पब्लिकेशन द कन्विक्शंस व्हिच हैव रिजल्टेड देयर फ्रॉम. Through this inquiry, I found the road to truth upon which I have to tread alone. A road far removed from the common highway of medical routine. वो जानते थे कि उस जमाने की जो medical practice है, मैं उससे बहुत दूर की बात कर रहा हूँ. और यही reason है कि आज भी Unwin की organon की relevance उतनी ही बनी हुई है, क्योंकि वो बहुत futuristic thought रखते थे अपने अंदर और आगे का सोच के ही लिखते थे. The further I advanced from truth to truth, the further did my conclusion move from that ancient structure, which having built out of opinion was upheld only by opinions although. अब देखो ये वही चीज कह रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं कि opinions पे बनी हुई science है, opinion पे काम नहीं चलता. किस पे काम चलता है? I allowed no single one more of my conclusion to stand unless fully confirmed by experiments. अगर हनीमैन अफोरिज्म 1 लिखते हैं, अफोरिज्म 5 लिखते हैं, अफोरिज्म 10 लिखते हैं, तो वो कह रहे हैं ये एक भी चीज एक ओपिनियन नहीं है, एक हाइपोथेसिस नहीं है, एक थ्योरी नहीं है. ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके सालों साल प्रूफ किया है और फिर लिखा है. और अगर सिर्फ आप अफोरिज्म 1 पढ़ते हैं ये बैकग्राउंड में रखते हुए कि कलिंस में एक बार हुआ था फिर हनीमैन ने होम्योपैथी बना दी, तो आप इसके पीछे का वो प्रूफ, वो साइंटिफिक प्रूफ को मिस कर रहे हैं. अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसी पे कंजेक्चरल आर्ट वाली बात पे हनीमैन कहते हैं, नो वॉक ऑफ लाइफ इज अकॉर्डिंग टू टेस्टिमनी ऑफ ऑल एजेस मोर यूनानिमसली डिक्लेयर्ड अ कंजेक्चरल आर्ट आस कंजेक्टोरियलिस देन मेडिसिन. नन देयरफॉर, बोल रहे हैं कोई भी साइंस तब तक ऐसी नहीं थी जो ज्यादातर कंजेक्चर पे बेस्ड होती थी सिवाय मेडिसिन के. और इसीलिए मेडिसिन ही एक ऐसी साइंस है जिसमें हमें रिसर्च करना बहुत जरूरी है, एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत जरूरी है, और यही मैं कर रहा हूं. अब अगर हमें ऑर्गेनोन को समझना है तो हमें शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी. और ये मैग्नम ओपस है हनीमैन का. मैग्नम ओपस समझते हैं आप लोग कि बेस्ट वर्क ऑफ अ आर्टिस्ट ऑफ अ राइटर, कि उसका सबसे अच्छा काम जो हो सकता है पूरी लाइफ में, उसको बोलते हैं मैग्नम ओपस. और ये हनीमैन का मैग्नम ओपस है जो आप पढ़ने वाले हैं. तो 1785 से हम शुरुआत करेंगे. 1785 में हनीमैन ड्रेसडन आए थे और हनीमैन खुद लिखते हैं अपने लेटर्स में कि ड्रेसडन में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं प्ले किया था. वहां पर ज्यादातर वो बुक ट्रांसलेशंस में लग गए थे, क्योंकि उनका धीमे धीमे ये जो मेडिसिन उस समय चल रही थी उससे दिमाग हटता चला जा रहा था, और वो नहीं चाहते थे कि अब वो उस चीज में दिमाग लगाए. और क्योंकि उनके पास फैमिली थी टू फीड, उनकी फैमिली दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, तो उनको लिटरेरी वर्क में काम करना पड़ा. और क्योंकि वो एक अच्छे ट्रांसलेटर थे तो वो बुक्स ट्रांसलेट करना चालू कर दिए. वही समय था जब हनीमैन केमिस्ट्री के बहुत करीब आए थे और उन्होंने बहुत सारे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी बनाए थे. अब इसी वजह से वो कुछ दिन बाद ड्रेसडन से लेप्ज़िग मूव करते हैं. क्योंकि लेप्ज़िग क्यों मूव करे थे पता है आपको? क्योंकि लेप्ज़िग लिटरली कैपिटल माना जाता था उस जमाने का जर्मनी में, कि जहां पर सारी एजुकेशनल बातें होती हैं वो कैपिटल क्या है? लेप्ज़िग है. जैसे आप लोग इंडिया में पढ़ने लिखने के लिए दिल्ली जाते हैं ना, कि दिल्ली में कोचिंग करेंगे, दिल्ली में ये करेंगे, कोटा जाएंगे, तो उसी तरीके से उस जमाने में लेप्ज़िग होता था. यानी मैंने सोचा अगर मुझे इसी में आगे काम करना है तो मैं लेप्ज़िग जाता हूँ. अब वो प्रैक्टिस गिव अप कर दिए, उन्होंने लिटरेरी वर्क स्टार्ट करा. और यहाँ जब वो लेप्ज़िग आए और उन्होंने लिटरेरी वर्क स्टार्ट करा, तब 1790 में उनके हाथ में आई थी कलन्स मटीरिया मेडिका. और तब उन्होंने कलन्स मटीरिया मेडिका में लिखना स्टार्ट करा था. अब आप एक बात समझिए, कलन्स मटीरिया मेडिका में हनीमैन ने सिर्फ सिंकोना बार के बारे में नहीं लिखा, उन्होंने बहुत सारे एनोटेशंस दिए थे. सिंकोना बार तो बहुत आगे था, उन्होंने शुरुआत से ही एनोटेशंस, मतलब वो नीचे नीचे अपना एक नोट लिख के जाते थे कि उनको क्या गलत लगता है, क्यों ये बुक के हिसाब से ये चीज अब ऐसी नहीं होगी. तो ऐसा ही एक एनोटेशन में हनीमैन ने लिखा था, ब्लड लेटिंग, फीवर रेमेडीज, टेपिड बाथ्स, लोअरिंग ड्रिंक्स, वीकनिंग डाइट्स, ब्लड क्लेंजिंग एंड एवरलास्टिंग अपीयरेंस इन क्लिस्टर्स from the circle in which the ordinary German physician turn around unceasingly. वो कह रहे थे यही कुछ तरीके हैं जिनसे जर्मन फिजिशियंस ठीक करना जानते हैं और ये उससे ऊपर नहीं सोच पा रहे हैं. तो आप समझिए कि बैक ऑफ द माइंड हनीमैन के ये बार बार चल रहा था. वो अपनी प्रैक्टिस भी छोड़ चुके थे
वो तरीके तौर भी देख रहे थे कि वही चलते चले आ रहे हैं, तो बैक ऑफ द माइंड उनके था कि कुछ और सोचना है, कुछ और करना है, मेडिकल साइंस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। अब 1790 में चलो उन्होंने करंस मटेरिया मेडिका ट्रांसलेट करी, उनको सिंकोना बर्क वाला एक्सपेरिमेंट मिला, और उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपना फाउंडिंग रखी कि ये सिमिलिया के बेसिस पे हमें सोचना पड़ेगा और सिंकोना बार खाके देखी। पर पता है कब वो मेन इवेंट आया, जब हनीमैन ने सोचा कि नहीं अब मुझे इस पे लिखना ही पड़ेगा और इस पे काम करना ही पड़ेगा। वो इवेंट आया था 17... सर हाँ, आवाज बहुत कट रही है, शुरुआत से कि अभी? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। एक सेकेंड, एक हेलो, अब आ रही है आवाज? यस सर, कट तो नहीं रही ना? अब ठीक है, आवाज आ रही है। ठीक है, चलो कंटिन्यू कर। तो मैं बता रहा था जैसे कि आपको कि 1792 में एक इवेंट हुआ था, जो कि मैं मानता हूं कि कलिंस मटेरिया मेडिका वाले इवेंट को बाद अगर कोई चीज ट्रिगर करी थी हनीमैन को, तो वो ये बहुत बड़ा इवेंट था। वो था काइजर लियोपोल्ड टू की डेथ ऑस्ट्रिया में। वो बहुत एक माने जाने इंसान थे जिनकी डेथ हुई, और जब उनकी डेथ हुई तो उसके पीछे का जो कारण था वो बहुत शॉक करा वहां के लोगों को भी और हनीमैन को भी, क्योंकि जो जनरल फिजिशियन उनको ठीक कर रहे थे उन्होंने उनका एक बार या दो बार या तीन बार नहीं, चार बार वेनी सेक्शन किए थे, और विदाउट एनी रीजन, और उसके बाद भी उनकी डेथ हो गई थी। इसमें वो लिख रहे हैं, हनीमैन ने एक बुलेटिन निकाला था और जवाब मांगा था उन फिजिशियन से कि आप मुझे जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों किया आपने, क्या रीजन था, क्यों, किस रीजन पे हम ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वी आस्क फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू व्हाट प्रिंसिपल हैज एनीवन द राइट टू ऑर्डर अ सेकेंड वेनिसेक्शन व्हेन द फर्स्ट हैज फेल्ड टू ब्रिंग रिलीफ, एज फॉर अ थर्ड हेवन हेल्प अस बट टू ड्रॉ ब्लड अ फोर्थ टाइम व्हेन द थ्री प्रीवियस अटेम्प्ट्स फेल्ड टू एलिवेट, साइंस पेल्स बिफोर दिस। वो बोल रहे हैं कि साइंस इसके आगे धुंधली पड़ रही है, आप रीजन प्रोवाइड करिए कि जब एक मेनी सेक्शन फेल हुआ तो आपने दूसरा कराया, दूसरा फेल हो गया तो आपने तीसरा कराया, तीसरा भी फेल हो गया तो आप किस वजह से चौथा करा रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट गलत है, ये तरीके से वो ठीक नहीं हो रहे हैं। और यही वो फैक्टर्स थे जो हनीमैन को बहुत प्रोवोक करते थे कि क्यों कोई और तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं, क्या यही एक तरीका है ट्रीटमेंट। और इसी में वो आगे क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट वर द सिम्टम्स व्हिच मेड हिम डिसाइड दैट इट वाज ऑफ अ रूमेटिक नेचर, अगर वो ये सोचते तो थे, एंड व्हिच ऑफ द मेनी चेस्ट कंप्लेंट्स ऑफ व्हिच सो व्यू कैन स्टैंड वेनी सेक्शन। और वो बोल रहे हैं अगर चेस्ट कंप्लेंट थी तो उसमें वेनी सेक्शन करने का क्या मतलब था। और थिंक ऑफ इट द नाइट एंड नॉट द फोर टाइम रिपीटेड मेन से रिड्यूस हिज स्ट्रेंथ सो मच एंड डॉक्टर गैसियस कुड नॉट सी इट। मतलब वो कह रहे थे कि इतना वेनिसेक्शन करने के बाद उनकी स्ट्रेंथ इतनी रिड्यूस हो गई थी, फिर भी वो फिर से वेनिसेक्शन करे, और जब उनकी डेथ करीब आ रही थी तो बोले अब ये ठीक हो गए, अब इनको कुछ नहीं होगा, अब ये ठीक हो जाएंगे, और वहां से चले गए छोड़ के। एंड एट 4:30 PM ही पास्ड अवे व्हाइल वॉमिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द एम्प्रेस। और वो वॉमिटिंग कर करके उनकी डेथ हो गई। दिस वॉज दैट ट्रिगरिंग फैक्टर जिसने हनीमैन को उसके बाद एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी को प्रूव करने में लगा दिया कि कोई नया तरीका है। और आप बैकग्राउंड में ये सोच के चलो कि वो क्यूलेंस में उनको वो नया तरीका का एक आइडिया मिल गया था 1790 में, वो आइडिया आ गया था कि यार ये सिमिलिया कुछ चीज है। क्यों? क्योंकि हनीमैन हिमसेल्फ वॉज अ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन स्टूडेंट, उन्होंने हिपोक्रेट्स की बातें पढ़ी थी, उन्होंने एस्क्यूलेपियस की बातें पढ़ी थी, और इस बैकग्राउंड को लेते हुए अब वो आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, प्रिकर्सर्स ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन होते हैं,
आपने पढ़ा है कि 1796 में एक है और 1805 में एक है। अगर आपको ऑर्गेनॉन की जर्नी समझनी है तो आपको ये प्रिकर्सर्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हनीमैन की राइटिंग समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आती है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो, ये किताब जो इसमें नीचे लिखा भी है, रिचर्ड हिल सैमुअल हनीमैन हिज लाइफ एंड वर्क्स। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इस किताब में वो पीछे के जो डॉट्स है ना, जो आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो आपको समझ में नहीं आता है हनीमैन ने ऐसा क्यों लिखा, क्या सोच के लिखा होगा, वो ये किताब आपको बताएगी। ये किताब में लिखा हुआ है कि इन हिज एसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल ये एक्सटर्नल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। फिर फ्रेगमेंटा डिवरेबस आई, उसमें हनीमैन ने प्रूविंग करी थी। मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस में ये इन्वेस्टिगेशन आगे कैरी फॉरवर्ड करी, और बट इन हिज ऑर्गेनॉन दिस ऑर्गेनिकली कंस्ट्रक्टेड वर्क ऑन रैशनल हीलिंग इन जनरल ही बॉट ऑल दिस टू कंप्लीशन। एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल लिखा, फ्रेगमेंटा में दवाई प्रूव करी, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस में एक बैकग्राउंड लिखा, और फिर इन तीनों को कंपाइल करा तो आपकी ऑर्गेनॉन बनी। इसी वजह से इनको कहा जाता है प्रिकर्सर्स ऑफ ऑर्गेनॉन। आपके वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही पूछा जाता है, और जितना भी आज के टॉपिक्स है ना, ये सब डेट्स हो गई, ये हो गए, बैकग्राउंड हो गया, ये सब वाइवा में पूछते हैं। और अच्छा आप ये लोग ये बताइए कि किताब में कहां पर लिखा है ऑर्गेनॉन की ये प्रिकर्सर्स ऑफ ऑर्गेनॉन है, कोई बताएगा? आपकी ऑर्गेनॉन, और क्योंकि ये सवाल वाइवा में पूछा जा सकता है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो पूछेंगे टीचर आप बताएंगे कि प्रिकर्सर्स ऑफ ऑर्गेनॉन, पूछेंगे आप ये तो बता दोगे चलो ये दोनों प्रिकर्सर्स ऑफ ऑर्गेनॉन है, वो पूछेंगे आपसे कि कहां लिखा है, कहां पढ़ा आपने, और ऑर्गेनॉन की किताब में ही लिखा हुआ है, कोई बताएगा? अगर आपके पास किताब हो तो एक बार ट्रांसलेटर्स प्रीफेस खोलो उसमें। ट्रांसलेटर्स प्रीफेस खोला, कोई भी एक जवाब दे दो माइक ऑन करके। Yes, sir. उसमें पहला पैराग्राफ पढ़ो, ये आई हैव ऑल्सो इंडिकेटेड द करस्पॉन्डिंग व्यू वाले से, फोर्थ लाइन में है वो, देखो दिखा, यस सर, क्या लिखा है एक बार पढ़ना। उसमें लिखा है कि आई हैव ऑल्सो इंडिकेटेड द करस्पॉन्डिंग व्यूज एज सेट फोर्थ इन द एसे ऑफ न्यू प्रिंसिपल एंड मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, बोथ ऑफ विच एसेज मे बी रिगार्डेड एज द प्रिकर्सर ऑफ द ऑर्गेनॉन। ये मार्क कर लेना, ये डॉक्टर आरी डर्जन का लिखा हुआ है, ट्रांसलेटर हैं जो इस किताब के, और ये जो लेसर राइटिंग आप पढ़ते हो जिसमें आपको ये दोनों प्रिकर्सर्स मिलेंगे लिखे हुए पूरे पूरे, उसका भी ट्रांसलेशन डॉक्टर आरी डर्जन ने ही करा हुआ है, और वो ही बताते हैं अपने इस प्रीफेस में कि ये दोनों बनते हैं प्रिकर्सर्स ऑफ ऑर्गेनॉन। अगर आपको ऑर्गेनॉन समझनी है तो इन दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछें तो ये आप बता सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ये प्रिकर्सर्स, अच्छा कोई बताएगा कि एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल किसी ने पढ़ा है, कोई जानता है इसमें हनीमैन ने क्या बात करी थी? इस नाम से आप क्या समझ रहे हो, इस नाम में ही वो जो बताना चाहते हैं वो इस नाम में ही लिखा है उन्होंने, क्या नाम है कि एसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल। ये न्यू प्रिंसिपल क्या है, होम्योपैथी सिमिलिया सिमिलिस क्यूरेंटर पे जो बेस्ड है, फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स पहले भी थे, क्योर पहले भी हो रहा था, अब वो प्योर क्योर था नहीं था वो बात की बात है, उस जमाने के हिसाब से तो वो क्योर ही मान रहे थे, ड्रग्स थे, क्योर था, प्रिंसिपल भी था, कॉन्ट्रेडिया था, गैलेन के जमाने से चलता चला रहा है, हिपोक्रेट्स के जमाने से चलता चला रहा है। इन्होंने क्या किया, नया प्रिंसिपल लाए सिमिलिया का, उसके थ्रू ड्रग्स की क्यूरेटिव पावर बताने की कोशिश करी, और कैसे ड्रग्स बना के उस
सिमिलिया के प्रिंसिपल के थ्रू हम क्योर करेंगे, ये उन्होंने इस अपने एसे में बताया। और इस एसे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही मैं बोलूंगा, सिर्फ कलिंस मटीरिया मेडिका नहीं ट्रांसलेट करी थी, अब आप समझिए कि हनीमैन सिमिलिया पे कैसे आए थे। हनीमैन ने अपना जो 1790 से 1796 जब ये आर्टिकल लिखा गया था, एसे लिखा गया था, वो 5-6 साल क्या किया था, वो ये किया था जो हनीमैन इस एसे में बता रहे हैं। वो सबसे पहले बोलते हैं कि मैंने देखा कि केमिस्ट्री के थ्रू क्या दवाइयों का क्यूरेटिव पावर पता करा जा सकता है। तो उन्होंने लिखा उसके बाद कि केमिस्ट्री में एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस सेंचुरी द अनमेरिटेड ऑनर वॉज कन्फर्ड ऑन केमिस्ट्री मोर एस्पेशली बाय द एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ पेरिस ऑफ टेम्पटिंग इट टू कम फॉरवर्ड एज द डिस्कवरर ऑफ द मेडिसिनल वर्च्यू ऑफ ड्रग्स पर्टिकुलरली ऑफ प्लांट्स। उस जमाने में सब ने बोला कि अगर आपको किसी भी प्लांट्स के क्यूरेटिव पावर जाननी है तो केमिस्ट्री अप्लाई करिए, जलाइए, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करिए, उसके ऊपर अल्कोहल डाल के देखिए, अलग अलग चीजें करके देखिए और देखिए कि उसके थ्रू उसकी क्यूरेटिव पावर एनहांस हो रही है क्या, क्यूरेटिव पावर या क्यूरेटिव सब्सटेंस निकल रहा है क्या। पर हनीमैन कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे पैसे इस चीज में बर्बाद कर दिए गए और एंड में कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकला। लार्ज सम्स ऑफ मनी वाज वेस्टेड ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स बिफोर इट वॉज परसीव दैट नन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट पार्ट ऑफ वेजिटेबल कुड बी एक्सट्रैक्टेड बाई दिस फायरी ऑर्डियल far less that any conclusion respecting their curative power could be come to. वो कहते हैं ये तो छोड़ दीजिए कि curative power समझना, उनके ऊपर इतना पैसा बर्बाद किया, जला दिया, उनका जो substance था वो substance ही नहीं रहा chemical लगाने के बाद, curative power तो दूर की बात है। और उन्होंने ये भी माना कि देखिए हम chemistry से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, हम purity का test कर सकते हैं, हम किसी भी impure substance को pure बना सकते हैं, पर केमिस्ट्री हमें दवाई का क्यूरेटिव एस्पेक्ट बता रहे, ऐसा वो केमिस्ट्री अपने अंदर वो पावर पोजेस नहीं करती। तो हनीमैन के दिमाग में एक टिक हट गया कि अच्छा केमिस्ट्री से काम नहीं चलेगा, अब और कुछ सोचना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट चीज हनीमैन ने क्या पढ़ी कि और चीजें क्या होती थी, दवाई उस समय पे कैसे बनती थी, मिक्सिंग अननोन ड्रग विद न्यूली ड्रॉन ब्लड। उसमें क्या होता था कि किसी का भी ब्लड निकाला, जैसे हम आजकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ब्लड निकालने के बाद उसमें ड्रग्स को डाल के देखा और देखा कि ब्लड थिक हो रहा है, थिन हो रहा है, क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं ब्लड में, और उस हिसाब से जो चेंजेस प्रोड्यूस कर रहा है वो सोचते हुए दवाई प्रिस्क्राइब करता। स्टिल वर्स फॉर द मटेरिया मेडिका वाज द एडवाइस ऑफ दोज हु सॉट टू असर्टेन द मेडिसिनल पावर ऑफ इट्स वेरियस एजेंट बाय मिक्सिंग द अननोन ड्रग विद न्यूली ड्रॉन ब्लड इन ऑर्डर टू सी वेदर द ब्लड ग्रू डार्कर और लाइटर, थिनर और थिकर, just as if we could bring the drug into the same immediate contact with the blood in the artery as we can in the test tube. Hanuman keh rahe hain itni bevkoofi ki baat hai ki hamari body ke andar jo blood hai, arteries ke andar jo blood hai, usme dawai ja ke kaise react karti hai aur bahar ek external environment mein, ek man made environment mein, aur ye 1790s ki baat hai jab environment itna sterile bhi nahi hota tha, ek protected environment mein research bhi nahi hoti thi, उसमें आप करके देख रहे हो और आप बोल रहे हो कि हमारी बॉडी में भी सेम रिएक्ट करेगा, कितनी बेवकूफी की बात है ये सोचना। बट सच पाल्ट्री मोड्स ऑफ असर्टेनिंग द पावर्स ऑफ मेडिसिन बियर ऑन देयर फेस द स्टैम्प ऑफ देयर वर्थलेसनेस, ये काम नहीं करेगा। और वो कहते थे कि और ये काम नहीं करता तो लोग क्या करते, एनिमल्स में ब्लड वेसल्स में ये दवाइयां डाल के दे देते और बोलते देखो एनिमल में काम तो कर रहा है ना, तो ह्यूमंस में भी करेगा। हनीमैन ने उसको एक एग्जाम्पल देते हुए समझाया था कि a pig can swallow a large quantity of nux vomica without injury and yet men have been killed with 15 grains. Nux vomica हमारी एक polycrest remedy है। Nux vomica का 15 grain भी अगर कोई human खाए in its crude form तो हनीमैन कहते हैं वो नहीं बचेगा। और उसी nux vomica की large quantities किसी pig को आप खिलाते हैं तो उसको कुछ भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इस पर rely कर पाएंगे कि आपने पिक को दी और फिर आप बोल रहे हैं देखो हमने पिक पे ये ठीक करा है, आप ह्यूमंस को देंगे, और डायनामाइज फॉर्म में नहीं दे रहे थे उस समय क्रूड चल रहा था, तब तक डायनामाइजेशन नहीं आया था, पोटेंटाइजेशन नहीं आया था हनीमैन के द्वारा, तो बोल रहे हैं कि ये भी गलत तरीका है। तो एक और क्रॉस करा उन्होंने और आगे बढ़े। अब एक्सटर्नल साइंस ऑफ प्लांट्स, ये जो आप डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर पढ़ते हो कि अच्छा ये प्लांट पीला दिख रहा है तो ये जॉन्डिस को ठीक करेगा, ये प्लांट लाल दिख रहा है तो क्या करेगा, ये ब्लड इफेक्शंस में काम आएगा। पल्सिटिला का प्लांट विंड फ्लावर इधर से उधर होता है तो क्या है,
पल्सेटिल्ला का मूड भी इधर से उधर होता है। नो डाउट ये चीजें पढ़ने के लिए समझने के लिए ठीक है, हम समझते हैं, पर इस पे हमारा सिर्फ इस पे ये बेस नहीं हो सकता क्यूरेटिव पावर जानना। वो लिखते हैं द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ ड्रग विच मे बी असर्टेड बाय द स्मेल एंड टेस्ट विल नॉट अलाउ अस टू फॉर्म एनी ट्रस्ट वर्दी कंक्लूजन रिस्पेक्टिंग अनट्राइड सब्सटेंसेस। जब तक आप उसको देख नहीं रहे हो, देख के किसी को, वो कैसे आप बता दो कि बस हिलता है तो उसका मूड भी हिलता है? ये कोई लॉजिकल बात है क्या? इसमें कोई लॉजिक है क्या? कल को जाके आप किसी से अपनी साइंस बताओगे क्यों भैया पल्सेटिल्ला देते हो, वो फ्लान देखिए उसका ऐसे ऐसे हिलता है ना, तो हम भी वो मूड ऐसे ऐसे होता है तो हम दे देते। सोच के देखिए कितना इलॉजिकल है ये सोचना। तो हनीमैन ने डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर को भी कैंसिल करा कि नहीं भाई ये भी तरीका नहीं है। और वो कहते हैं कि Those who would form their judgment from them alone, देखो वो एक समझने के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन सकता है, हम मटीरियल समझाने के लिए उसको बता सकते हैं, पर जब तक प्रूविंग नहीं होगी तब तक वो कोई मायने नहीं रखता। लाख हिलता हो, अगर प्रूविंग में मूड फ्लक्चुएशन पल्सेटिल्ला में नहीं मिलेंगे तो लाख प्लांट हिले हम उसे ये नहीं बोलेंगे प्लांट हिलता है तो मूड हिलता है। इस चीज को समझा रहे थे हनीमैन। अब बोटैनिकल एफिनिटी, वो कह रहे हैं कि बोटैनिकल एफिनिटी मतलब एक जैसे फैमिली के चार प्लांट है तो चारों एक तरीके का काम करेंगे, एक तरीके के फैमिली के ये है तो चारों एक तरीके का काम करेंगे। पर हनीमैन कहते हैं ऐसे कितनी बार देखा गया है कि एक ही फैमिली के अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग क्यूरेटिव वर्च्यूज पाए जाते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। कोई एक प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट तो किसी एक प्लांट सेम फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक है थोड़ा डिप्रेशन। तो हनीमैन कहते हैं कि सिर्फ बोटैनिकल एफिनिटी पे डिसाइड कर लेना कि अच्छा ये बोटैनिकल एफिनिटी सेम है एक फैमिली का है हम इसको दे देते हैं, नहीं, ये भी क्यूरेटिव वर्च्यू जानने के लिए सही चीज नहीं है। सर आवाज नहीं आ रही है, फिर से कटी, अब आ रही है? हेलो, हेलो, हाँ आ रही है सर, बीच बीच में डिस्टर्ब हो जा रही है सर आवाज। यार इशू हुआ है ना क्योंकि इधर दो तीन दिन से बारिश हो रही है पूरा, तो नेटवर्क का यही हिसाब चल रहा है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम, नेट तो सही है वही है, अब नेटवर्क जितना बारिश वारिश हो रही है इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे कि ये ना हो। ओके सर। तो अब एक और टिक हटा कि बोटैनिकल एफिनिटी पे नहीं देना है। अब आता है एक्सीडेंटल केसेस और केसेस ऑफ पॉइजनिंग। सॉरी सर, इसको फिर से एक्सप्लेन करिए ना, आवाज नहीं आया था। अच्छा आवाज नहीं आया था, कोई नहीं मैं फिर से बता देता हूँ। देखो वो यहाँ पर क्या लिखते हैं हनीमैन अपनी लेसर राइटिंग में कि बोटैनिकल एफिनिटी में अलाउ अस टू इन्फर अ सिमिलैरिटी ऑफ एक्शन। This is far from being the case as there are so many examples of opposite or at least very different powers. जो मैं आपको समझा रहा था, एक फैमिली के चार सब्सटेंस हैं जिनको हम यूज करते हैं दवाई बनाने में। क्या आप एक फैमिली को लेते हुए बोल सकते हो कि चारों में ये होगा बिना प्रूविंग करे? नहीं कह सकते। आप चारों को प्रूव करोगे, चारों के सर्कमस्टेंस देखोगे और चारों में पाओगे कि कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। सिर्फ ये कह देना कि ये इस फैमिली से है तो यही होगा, सारे एसिड्स ऐसे ही होते हैं, सारे मिनरल्स मेडिसिन में यही मिलेगा, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट मेडिसिन ऐसी होती हैं, ये आप नहीं कह सकते। आपको हर सब्सटेंस की क्यूरेटिव पावर जानने के लिए उसको सिंगली प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप रिलाई नहीं कर सकते उस नॉलेज पे, और हमें एक ठोस सबूत चाहिए कि हम रिलाई किस पे कर सकते हैं। तो एक और चीज उन्होंने कैंसिल करी इसके लेके। अब नेक्स्ट जो लास्ट उन्होंने देखा कि एक्सीडेंटल केसेस या पॉइजनिंग के केसेस, आप पढ़ते होंगे अपनी मटीरिया मेडिका में भी, मटीरिया मेडिका प्यूरा क्रोनिक डिजीज जो हनीमैन के खुद लिखी हुई है, उसमें हनीमैन ने कई एक्सीडेंटल केसेस और प्रूविंग्स जो पुराने जमाने में हो रखी थी पुराने ऑथर्स ने कर रखी है, या मान लीजिए किसी को गलती से नक्स वोमिका चली गई ज्यादा मात्रा में तो क्या चेंजेस आए,
किसी को होमिसाइडल या सुसाइडल पर्पसेस से कुछ दिया गया था, आर्सेनिक, मेजोरिटी ऑफ जो प्रूविंग है आर्सेनिक की वो पॉइजन प्रूविंग है, क्योंकि आर्सेनिक इज अ पॉइजन, उसको देते थे तो क्या चेंजेस आते थे, ये नोट डाउन करते हुए। अब आप बोलोगे सर हम ये तो लेते हैं, ये तो हमारी मटीरियल मेडिका में भी लिखा है, ये तो हनीमैन खुद लिखते थे, फिर हनीमैन इसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। अब यहां पर हनीमैन समझा रहे हैं आपको कि क्यों इस पे भी रिलाई करना मुश्किल है। द ह्यूमिलेटिंग कन्फेशन मस्ट बी मेड दैट मोस्ट ऑफ द वर्च्यूज ऑफ मेडिसिनल बॉडीज वर डिस्कवर्ड बाय एक्सीडेंटल एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस बाय चांस, ऑफन फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय नॉन मेडिकल पर्संस बट ऑफन ओवरबोल्ड फिजिशियंस देन ग्रेजुअली मेड ट्रायल ऑफ देम। बाय चांस पे फोकस करो। आप एक बात बताओ कि हनीमैन जो बैकग्राउंड से आ रहा है कि मेरे को वेन सेक्शन नहीं करना, ब्लड लेटिंग नहीं करनी है, क्यों, क्या सोचा था हनीमैन ने शुरुआत में, जो आपको बता रहा था कि कंजेक्चर्स पे बेस नहीं करूंगा मैं अपनी साइंस को, मैं हो रहा होगा पे बेस नहीं करूंगा, ऐसा होता होगा पे बेस नहीं करूंगा, देखूंगा, मिलेगा, लिखूंगा, फिर से करूंगा, फिर से मिलेगा, और लोगों पे ट्राई करूंगा, फिर से मिलेगा तो देके देखूंगा। ये कंजेक्चर से दूर हटना था, लॉजिक पे बेस करनी थी अपनी साइंस। तो हनीमैन कहते हैं कि कितनी दुख की बात है कि किसी को किसी चीज को देके किसी को कुछ इफेक्ट आ रहा है, तो आप ये सोच लो कि अच्छा ये चीज ये ठीक करेगी, मैं दे देता हूं। इस चांस पे बेस नहीं कर सकते आप अपनी मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर जानना, कि बस ऐसा हुआ था, अरे उसने देखो उस होमिसाइड में ये केस में देखा गया था कि इसको देते हो तो ब्लड में ऐसे चेंजेस आते हैं, इस सब्सटेंस की ऐसे प्रूविंग मिली थी एक बार, चलो हम भी देखे देखते हैं। पेशेंट को आप हार्म पहुंचा सकते हो, हनीमैन कह रहे थे ये तरीका सही नहीं है। ये नो डाउट आपको प्रोवाइड करता है, इसको लिख के बैकग्राउंड में रखो कि ऐसी चीजें पाई गई हैं क्लिनिकल प्रूविंग्स में या पॉइजनस प्रूविंग में, अब अपनी प्रूविंग करके देखो, सेम चीज मिले तो तुम भी लिखो, तुम भी दो, नहीं मिले तो इसको डिस्कार्ड कर दो, ये वर्थफाइल नहीं थी। अब मेन बात जो हनीमैन इन सब चीजों से हमें इस एसे में बताना चाह रहे थे कि देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि हनीमैन ने कलेंस लिखी और आपने होमोपैथी बना दी, नहीं, एक 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 करके हनीमैन ने सब देखा, केमिस्ट्री देखी, बॉटनी देखी, एक्सीडेंटल प्रूविंग देखी, पॉइजनस प्रूविंग देखी, और फिर हनीमैन ने बोला ये तरीके नहीं चलेंगे, तो क्या चलेगा। अब सिंकोना बार्क वाले एक्सपेरिमेंट को अप्लाई करा हनीमैन ने, वो आइडिया को अप्लाई करा कि नथिंग देन रिमेन्स बट टू टेस्ट द मेडिसिन वी विश टू इन्वेस्टिगेट ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। अगर आपको कुछ एक तरीका बचता है जिससे हम क्यूरेटिव पावर जान सकते हैं, तो वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे दवाई दो, जो चेंजेस वो ह्यूमन बींग प्रोड्यूस करेगा वही दवाई ठीक करेगी, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लाइक क्योर्स लाइक। अब हनीमैन ने इस लाइक क्योर्स लाइक को क्या किया, लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक, ये थोड़ा सा चेंज लाए हनीमैन, नेचुरल जो नेचर्स लॉ था उसको होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक लॉ बनाया, और ये इसके पीछे का बैकग्राउंड था जो इतना मैं आपको बता रहा हूं। ये एक दिन की मेहनत नहीं थी, ये 5-6 साल की मेहनत थी हनीमैन की। द नेसेसिटी ऑफ दिस हैज बीन परसीव्ड इन ऑल एजेस बट अ फॉल्स वे वॉज जनरली फॉलोड। अब हनीमैन एक और चीज कहते हैं यहां पर कि मैं ओरिजिनेटर नहीं हूं इसका, मैं पहला आदमी नहीं हूं जो ये बात कह रहा हूं, ये सदियों से ये बात चलती चली आ रही है। हिपोक्रेट्स ऑल्सो यूज्ड सिमिलिया, हिपोक्रेट्स प्रोपगेटेड सिमिलिया, पर वो सप्रेस कर दिया गया, क्यों, गैलन ने ओवरपावर कर दिया था। गैलन को मेडिकल डिक्टेटर का नाम देते हैं, क्यों, इतना ज्यादा गैलन ने वो करा था कि जो उसके खिलाफ बोलता था सबको सप्रेस कर देते थे मिलकर, तो इतना ज्यादा जमाने से चलता चला रहा है, मैं बस उसको सही तरीका बता रहा हूं। उसके बाद एक और ने सिमिलिया पे काम किया था हिपोक्रेट्स के बाद, पता है कौन, हिपोक्रेट्स के बाद हनीमैन से पहले एक और थे जिन्होंने सिमिलिया पे काम किया था, कौन थे वो, आवाज आ रही है ना,
उनका नाम था पैरासेल्सस। पैरासेल्सस सिमिलिया पे काम करते थे, हिपोक्रेट्स भी काम करते थे, पर हनीमैन ने बोला ये काम करते थे सही करा, इन्होंने सोचा सही, पर इन्होंने ये चीज नहीं करी जो यहां पर मैं आपको कलर्ड में दिखा रहा हूं। उन्होंने हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे दे के नहीं देखा कि सिमिलिया कैसे काम करता है, और ये मेरी अपनी खोज, ये उनका अपना आइडिया है, और यहां से शुरुआत होती है। अब 1796 में ये आइडिया मिल गया, एक्सटर्नल फ्रेमवर्क मिल गया, अब पता चल गया कि क्या करना है, अब दवाइयां प्रूफ करनी थी, देखना था देखे कि क्या होता है। तो उन्होंने फ्रेगमेंटा डी विरिबस, जो कि एक्चुअल में प्रिकर्सर में आता नहीं है, यही दोनों आते हैं, पर वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें उन्होंने वो जो दवाइयां दी थी लोगों पे उसके इफेक्ट्स लिखे, पहली मटीरिया मेडिका थी हनीमैन की, और उस इफेक्ट्स को लिख के दे फिर और लोगों को ट्रीट करना स्टार्ट करा था हनीमैन ने। 1805 में जब हनीमैन ने मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस लिखा ना, तो ये एक मिनी ऑर्गेनॉन है। आप कभी लेसर राइटिंग में आप पढ़िएगा इस चैप्टर को, तो आपको लगेगा अरे इसमें तो सारे अफोरिज्म मेंशनड है, क्योंकि एक ऑर्गेनॉन का मिनी वर्जन है। यहां इसी को एक्सपैंड करा तो ऑर्गेनॉन बनी। द मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट द कल्मिनेशन ऑफ दिस पीरियड ऑफ हनीमैन सर्चिंग फॉर अ न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन 1790 से 1805 तक। 1810 में पहली ऑर्गेनॉन लिखी गई थी। इतना साल तक हनीमैन रिसर्च कर रहे थे और इंप्रूव कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। 5 years later we see the emergence, एक सेकेंड, of that seminal document, the aphoristic organon der Helicons, whose seeds lay in their earlier occasional writing. He had developed by this time sufficient certainty of insight and experience that he could present his discoveries in the form of a formal argument, highly structured and legalistic, as if of presenting his submission to the High Court of Truth and Wisdom. आप इस चीज को समझिए, ये आगे के कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ोगे ना तो भी काम आएगा। ऑर्गेनॉन लिखना का पर्पस क्या था? ये तो पहले भी मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस में भी हनीमैन लिखे थे ऑर्गेनॉन जैसी बहुत सारी चीजें, 1796 में भी लिखे थे। अब हनीमैन कह रहे हैं कि मैं अब ये जो अपनी फाइंडिंग है 10, 12, 15 साल की 20 साल की, अब मैं समाज में ये सबमिट कर रहा हूं, और अब मैं समाज को दे रहा हूं कि वो ये समझे, इसको अप्लाई करें और आगे बढ़े, और ये समझ के जब वो आगे बढ़ेंगे तब उनको होम्योपैथिक साइंस के बारे में रियलाइजेशन होगा, तब वो उसको प्रैक्टिस कर सकेंगे, तब वो उसको अप्लाई कर सकेंगे, तब वो उसकी रेलेवेंस पता कर सकेंगे। अब आपने समझ लिया कि इसके बाद 1810 में ऑर्गेनॉन आई, ये दोनों प्रिकर्सर्स थे, कैसे हनीमैन यहां तक पहुंचे, ये सब आपने जान लिया। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर्टिकुलर एरिया से, जो वाइवा में पूछा जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में भी आता है कि आप ग्राउंड प्लान ऑफ ऑर्गेनॉन बताओ, थ्योरी में आता है, या फिर आप इमर्जेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनॉन बताओ, आप लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनीमैन बताओ, कैसे वो ऑर्गेनॉन या होम्योपैथी बनाए, 20 marks से क्वेश्चन है ये सब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, और वाइवा में तो भर के पूछते हैं डेट्स वगैरह यहाँ से। तो ये वो ग्राउंड प्लान है ऑर्गेनॉन का जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर ये मैं आपको अलग से नोट्स के फॉर्म में भी ये स्लाइड्स भेज दूंगा तो आप लोग चिंता मत करिएगा, इसको मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको सेंड कर दूंगा। ग्राउंड प्लान अगर समझना है तो इस बुक का स्ट्रक्चर, अब इसको पढ़ना है ना, हमने पता कर लिया ये बुक बनी कैसे, अब हमें इसको पढ़ना है अफोरिज्म 1 से, तो उसके पहले हमें समझना है कि पढ़ाई करने के लिए इसके अंदर चीजें क्या क्या है। सबसे पहला है टाइटल पेज, कि हनीमैन ने टाइटल पेज में आप लोग को सबको पता है कि गैलर्ट्स पोएम थी, फिर ऑडे सपेरे आया। अब प्रीफेज, वो प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट, हर एडिशन के पहले हनीमैन क्या दे रहे थे, फर्स्ट एडिशन लिखी तो एक प्रीफेस लिखा, सेकंड में लिखा, थर्ड में लिखा, फोर्थ में लिखा, फिफ्थ में लिखा और सिक्स्थ में भी लिखा, और वो बता रहे थे कि अब मैं जो करने जा रहा हूं वो क्या है, वो क्यों है, मैं क्यों ये आपको दे रहा हूं किताब लिख के। कॉन्टेंट्स में ये सेकेंड एडिशन के बाद आया था, सेकेंड एडिशन से कॉन्टेंट आना स्टार्ट हुआ था, और फिर इंट्रोडक्शन जो आप पढ़ते हैं, अपेंडिक्स जो बैक में पढ़ते हैं, और जो मेन टेक्स्ट है अफोरिज्म्स है आपके, वो आते हैं। कंटेंट्स में क्या क्या आता है, इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट और अपेंडिक्स, ये तीन मेजर पार्ट है जो आप कंसर्नली पढ़ोगे। इंट्रोडक्शन में वो बैकग्राउंड बताते हैं कि एलोपैथिक बैकग्राउंड क्या था, जहां से मैं आया हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं। टेक्स्ट में वो अपने लॉज एंड रेगुलेशन समझाते हैं, और अपेंडिक्स में
वो रिलेट करवाते हैं अपने प्रिकर्सर से, कि अगर आप आज फिफ्थ एडिशन ऑफ फॉर्मनॉन पढ़ रहे हो तो फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक ये अफोरिज्म कैसे लिखा गया था, क्यों लिखा गया था, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस में कैसे लिखा गया था, एसटी ऑन न्यू प्रिंसिपल में मैंने क्या सोचा था और कैसे, ये क्यों जानना इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा हनीमैन अपनी गलतियों से कैसे इवॉल्व करते हैं। हनीमैन पहले बोलते थे सीएम पोटेंसी देने को, फिर 50 मिलीसीमल बोले, पहले बोलते थे ड्राई डोज देने को, फिर वाटर पोटेंसी बोले। तो ये उन्होंने गलतियों से सीखा और इसी जर्नी को आपको पढ़ना है। अब इंट्रोडक्शन जब आप पढ़ने जाएंगे तो इंट्रोडक्शन को दो पार्ट में मेजरली डिवाइड करा जा सकता है। पहला पार्ट क्या है, वो रिव्यू कर रहे हैं एक थेरेप्यूटिक आर्ट को जो कि एंटीपैथिक और एलोपैथिक है, और उसके बैकग्राउंड से समझा रहे हैं कि देखो ये क्यों छोड़ना पड़ा मुझे, क्या गलतियां थी इसमें, और आगे वो प्रिंसिपल्स ऑफ सिमिलिया को बताएंगे, आपको बताएंगे कि नॉन मेडिकल पर्सन कौन थे जो सिमिलिया में बिलीव करते थे और मेडिकल पर्सन कौन थे जो सिमिलिया में बिलीव करते थे। ये इंट्रोडक्शन आपका फोर्थ एडिशन से आया है। ये सवाल पूछते हैं वाइवा में कि इंट्रोडक्शन जो आप पढ़ते हैं ऑर्गेनॉन के फ्रंट पे वो कौन से एडिशन से आया था, तो फोर्थ एडिशन से आया था, उससे पहले इंट्रोडक्शन नहीं था, और वो इस एस्से से लिया गया था, इंडिकेशन ऑफ होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन इन ऑर्डिनरी प्रैक्टिस, ये टोरगांव में 1807 में लिखा गया था और फोर्थ एडिशन से ये आया था। ठीक है, अब टेक्स्ट को दो पार्ट में मेजरली डिवाइड करा जा सकता है और यही हम पढ़ेंगे अब अगली नेक्स्ट लेक्चर से। एक होता है डॉक्ट्रिनल पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट भी कह सकते हो इसको, एक होता है प्रैक्टिकल पार्ट। पहले हनीमैन 1 से 70 में आपको समझाते हैं कि भैया फिजिशियन क्या है, फिजिशियन का काम क्या है, फिजिशियन की ड्यूटीज क्या क्या है, फिजिशियन के लिए डिजीज क्या होता है, डिजीज में आपको क्या देखना है, अगर डिजीज में आपको ये देखना है तो ये डिजीज कैसे कॉज होता है, अक्यूट क्रॉनिक डिजीज क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए सब्सटेंस क्या होते हैं, डिजीज एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करती है, ये सब थ्योरी समझाएंगे पहले आपको डॉक्ट्रिनल पार्ट में। फिर ये समझने के बाद, ये बेस बनाने के बाद, इसको अप्लाई कैसे करोगे, दवाई क्या दोगे, कब दोगे, कौन सी पोटेंसी में दोगे, कब रिपीट करोगे, कब नहीं रिपीट करोगे, केस टेकिंग कैसे करोगे, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कैसे करोगे, ये सब प्रैक्टिकल पार्ट की बात आती है। क्यों, क्योंकि थ्योरी पढ़ लोगे तब तुम केस टेकिंग लेने में प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओगे। तो ये दो मेजर पार्ट में डिवाइडेड है, ये मैं आपको भेज दूंगा, ये एक एक सेक्शन हम ऐसे पढ़ेंगे, ये आपको थ्रू आउट ऑर्गेनॉन, नई वाली ऑर्गेनॉन में भी मिल जाएगा। ये डिवीजन है, ये डिवीजन आपसे पूछा भी जाता है कि 1 से 4 अफोरिज्म में क्या दिया है, तो फिजिशियन के रिगार्डिंग दिया है, 5 से 8 में अफोरिज्म में क्या दिया रहता है, ब्लूप्रिंट ऑफ केस टेकिंग दी हुई है, तो ये आपसे पूछा जाता है और इसी एक एक करके हम इस सेक्शन को कवर करेंगे। सेकेंड आता है प्रैक्टिकल पार्ट, उसके सेक्शन ये हैं जो हमें कवर करने हैं। ठीक है, अब बात आती है अपेंडिक्स की। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा कि अपेंडिक्स किसने लिखी, आप बोलेंगे हनीमैन ने लिखी, यू आर रॉन्ग, हनीमैन ने अपेंडिक्स नहीं लिखी थी, हनीमैन ने अपेंडिक्स के पहले तक का काम करा है। अपेंडिक्स जो इसके ट्रांसलेटर हैं आरी डजन और रिचर्ड ह्यूजिस की उन्होंने हेल्प ली और उन्होंने कंपाइल करके अपेंडिक्स लिखी है, हनीमैन ने अपेंडिक्स नहीं लिखी है, और इसी वजह से ये दोनों का नाम बताना जरूरी है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर। ये डिफरेंट ट्रांसलेशंस ऑफ ऑर्गेनॉन है जो आप पढ़ते हैं, 6 एडिशन अब तक आए हैं, आप ये वाला पढ़ रहे हो 5th एडिशन जो आरी डजन का है, इसी 5th एडिशन को वेसलहॉफ ने भी ट्रांसलेट करा है, 6th लेटेस्ट एडिशन को विलियम बोरिक ने ट्रांसलेट करा है, अगर वो किताब मैं आपको दिखाऊं तो ये है वो लेटेस्ट 6th एडिशन का, विलियम बोरिक ने जो ट्रांसलेट करी है। ठीक है, और ये है वो 5th और 6th एडिशन कंपाइल्ड जो आप पढ़ते हैं आरी डजन की। ठीक है, ये बाकी एडिशंस आप ले सकते हैं, मिलते भी हैं कई जगह पे, सेकंड तो थर्ड तो हुआ ही नहीं है ट्रांसलेट कहीं भी, सेकंड सिर्फ फ्रेंच में हुआ है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको नोट्स दे दूंगा तो आप उससे पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं। अब यहां पर इंपॉर्टेंस आती है कि डिफरेंट एडिशंस में फर्क क्या था। अब एक बात बताओ, फर्स्ट एडिशन में टाइटल था ऑर्गेनॉन डर रैशनलिन हेल कुंडे, और सेकेंड में हो गया ऑर्गेनॉन डर हेल कुंस,
तो ये रैशनल वर्ड क्यों हटा वहां से, ये सवाल उठता है सबसे पहले। हनीमैन ने सेकेंड एडिशन में बाद में सारे टाइटल सेम ही था, ऑर्गनॉन द लेनकोस्ट ही रखा, यहां पर ये रैशनल वर्ड क्यों हटाया हनीमैन ने? सर हनीमैन के टाइम पे जब उन्होंने रैशनल लिखना शुरू किया तो बाकी फिजिशियंस ने भी उनके देखा देखी रैशनल लिखना शुरू कर दिया था इसलिए। ठीक है, और कोई बताएगा? अच्छा इसका रेफरेंस बताओ, ऑर्गेनॉन में कहां लिखा है ऑर्गेनॉन में कि ये रीजन था? सर एफोरियम 54 में आई थिंक लिखा था। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अफोरिज्म 54 एक बार अपनी अपनी किताबों में आप खोलेंगे तो उसमें आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा, इसमें वो लिखते हैं कि द एलोपैथिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट यूटिलाइज मेनी थिंग्स अगेंस्ट डिजीजेस बट यूजुअली ओनली इम्प्रॉपर वंस एंड रूल्ड फॉर एजेस इन डिफरेंट फॉर्म कॉल्ड सिस्टम्स एवरी वन ऑफ दीज फॉलोइंग ईच अदर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड डिफरिंग ग्रेटली ईच फ्रॉम द अदर Honored itself with the name of rational medicine. हनीमैन कह रहे हैं कि हर लोग जो एंटीपैथी कर रहा है, जो एलोपैथी कर रहा है, जो किसी और तरीके से ट्रीट कर रहा है, हर लोगों ने अपने अपने तरीके के ट्रीटमेंट करे और सबने अपने आप को क्या कहा, हम रैशनल मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। तो हनीमैन बोला अब मैं भी रैशनल लिख रहा हूं, ये जो गलत कर रहे हैं वो भी रैशनल लिख रहे हैं, तो मेरे वाले को रैशनल बुलाओगे तो फिर इनसे ही कंपेयर कर दोगे ना आप, ये रैशनल मतलब इसी तरीके का ट्रीटमेंट होगा। तो हनीमैन ने अपने इस रीजन की वजह से अपने टाइटल से रैशनल वर्ड को हटा दिया। अगर आपसे कोई पूछे तो इसका रेफरेंस है अफोरिज्म 54। और रीजन क्या है, क्योंकि एवरीवन दैट वाज प्रैक्टिसिंग एट दैट टाइम इल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट दे वर ऑल कॉलिंग देमसेल्फ रैशनल, तो इस वजह से हनीमैन ने बोला भैया मैं रैशनल नहीं हूं, अगर ये रैशनैलिटी है, ये गलत तरीके को रैशनल कहलाते हो, देन आई एम नॉट रैशनल। अब मोटो पे आते हैं, फर्स्ट पेज जो होता है, टाइटल पेज जो आपको ऑर्गेनॉन का होता है, ये पेज जो आप पढ़ते हैं, इस पे हनीमैन लिखते हैं ऑडे सपेरे, पर उससे पहले फर्स्ट एडिशन में हनीमैन लिखते थे गेलर्ट्स पोएम, तो ये गेलर्ट्स पोएम से ऑडे सपेरे तक की जर्नी क्यों करी हनीमैन? और एक और चीज नोटिस करने के लिए कि फर्स्ट एडिशन 1810 में आया और दूसरा एडिशन 1819 में आया, इतना लंबा गैप, और बाकियों में देखोगे इतना लंबा गैप नहीं है सिवाय सिक्स के, क्योंकि सिक्स डेथ के बाद आया था और बहुत अदर रीजंस से सिक्स के लेट आने के, ये पहले और दूसरे एडिशन में इतना गैप, ये मोटो का डिफरेंस क्यों है? अच्छा गेलर्ट्स पोएम जब हनीमैन लिखे थे तो गेलर्ट्स पोएम आपको पता है क्या है, द ट्रुथ वी मॉर्टल्स नीड अस ब्लेस्ड टू मेक एंड कीप द ऑल वाइज स्लाइटली कवर्ड ओवर बट डिड नॉट वरी डीप। अब इसके पीछे की आप सिग्निफिकेंस समझिए, जब हनीमैन अपनी ऑर्गेनॉन फर्स्ट एडिशन लिखे तो वो एक नया साइंस दे रहे थे वर्ल्ड को, और वो बोल रहे थे इस मैसेज के थ्रू वो बोलना चाहते थे कि भगवान ने जिस ट्रुथ को मॉर्टल्स को, हम ह्यूमन बींग्स को प्रिजर्व करने के लिए, हमें सेफ रखने के लिए जो ट्रुथ लिखी है वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं दबी है, हल्की सी धूल में बस दबी हुई। अगर आपको इस ट्रुथ को समझना है, अगर आपको इस सच्चाई को समझना है, इस सच्चाई को जानना है जो मैं इस किताब में लिख रहा हूं, तो आपको बस इस किताब को हल्के से समझ के पढ़ना पड़ेगा, और जब इस किताब को आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको वो ट्रुथ जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ह्यूमन बॉडी के प्रिजर्वेशन के लिए जरूरी है, वो मिल जाएगी। और सेकंड में आके हनीमैन लिखते हैं ऑडे सपेरे, मतलब डेयर टू बी वाइज, ये पोलाइट से इतना रूड, एक रूड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। रीजन भी, जब 1810 में हनीमैन ने अपनी ऑर्गेनॉन निकाली, एवरीवन वाज क्रिटिसाइजिंग। आज के जमाने में आप, ये सेम हाल आज भी है, आज आप होम्योपैथी की एक दवाई को लेते हुए प्रूफ करने आप कोविड में जाओ कि देखो हमारी कोविड में ये दवाई बहुत काम करी है, और एलोपैथिक डॉक्टर्स का रिएक्शन कैसा आता है,
प्लेसिबो है, ये है, वो है। अभी रिसेंट एक वीडियो वायरल हुआ था, प्लेसिबो कह दिया था, तो कितना बैकलैश हुआ, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे ही उस जमाने में भी जब हनीमैन ने एक नई साइंस लाए तो इसी तरीके का एडवर्स रिएक्शन मिला हनीमैन से। तो हनीमैन ने फिर से परसिवियरेंस करा, बोला कि अगर मेरा इतना क्रिटिसिज्म है तो मैं फिर से इसको ट्राई करूंगा। उन्होंने 1810 से 1818 तक और इंप्रूवमेंट की अपने ऑर्गेनॉन में, अच्छे से फिर से लिखने की कोशिश करी, सारे लॉस को फिर से ट्राई करा, फिर से एक्सपेरिमेंट करा। और फिर उन्होंने सेकेंड एडिशन में इतने क्रिटिसिज्म झेलने के बाद लिखा ऑडे सपेरे, डेयर टू बी वाइज। अगर सच जानना है, सच जानने की हिम्मत रखते हो तो डेयर टू बी वाइज, पढ़ो और समझो, नहीं जानना है मत पढ़ो, मेरा क्या जा रहा है। सच की जानने की इच्छा है तो डेयर टू बी वाइज, ये पुराने जमाने में होरेस ने यूज किया था, एरिस्टोटल ने यूज किया था, इमानुअल कांट ने यूज किया था। और ये सब किस वजह से यूज करते थे कि एक चीज मैं बता रहा हूं, इमानुअल कांट रेवोल्यूशनरी फिलोसफी करते थे, वो लिखते थे लेटर्स जनता के लिए कि आपको अगर अपने इस चीज से दूर आना है, आपको अपने फ्रीडम चाहिए तो डेयर टू बी वाइज। वैसे ही हनीमैन लिख रहे हैं कि अगर आपको इन इल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट से दूर आना है, इनसे आगे बढ़ना है, देन डेयर टू बी वाइज, ट्राई करिए, देखिए, फायदा मिले तो प्रैक्टिस करिए, नहीं मिले तो मत करिए। पहले हनीमैन क्या कह रहे थे कि इसको पढ़ो, इसको ढूंढो, इसको पढ़ के देखो, ज्यादा छुपा नहीं है। वो कामनेस हनीमैन जा चुकी थी क्योंकि वो इतना सीवियरली क्रिटिसाइज किए गए थे। और फिर उन्होंने कहा डेयर टू बी वाइज, और उसके बाद वही रहा मोटो हनीमैन की ऑर्गेनॉन का। अब ये डिफरेंट चीजें हैं कि कौन से पब्लिशर्स थे, कितने पेजेस थे, क्या था क्या नहीं था, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये तीन चीजें बहुत मेजर हैं जो हमें जाननी है कि फोर्थ एडिशन में हनीमैन ने थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज लाए थे, जो कि आप माइसमेटिक थ्योरी पढ़ते हो ना, ये फोर्थ एडिशन के पहले ऑर्गेनॉन में नहीं थी, ये फोर्थ एडिशन से आई थी। जो आप वाइटल फोर्स पढ़ते हो, ड्रग डायनामाइजेशन पढ़ते हो, ये फिफ्थ एडिशन से आई थी, ये उसके पहले नहीं थी। और जो आप 50 मिलीसिमल पढ़ते हो या वाइटल प्रिंसिपल जो पढ़ते हो, वाइटल फोर्स को चेंज करके हनीमैन वाइटल प्रिंसिपल लिखने लगे थे अपने सिक्स्थ एडिशन में। फर्क में क्या डिफरेंस था, जब हम वाइटल फोर्स के अफोरिज्म पढ़ेंगे हम उसमें तब पढ़ेंगे। पर ये मेजर डिफरेंसेस थे जो डिफरेंट एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में आए थे। तो आज की लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर आपको आज के लेक्चर से कुछ डाउट हो तो अभी आप क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दीजिए या पूछ लीजिए। इस तरीके से ऑर्गेनॉन का फॉर्मेशन हुआ था, इस तरीके से ऑर्गेनॉन लिखी गई थी, और अब ये बैकग्राउंड जानते हुए आप कितना सेटिस्फाइड रहेंगे कि हाँ, जो मैं किताब अब अफोरिज्म जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, जिससे मैं अपने पेशेंट्स को ठीक करता हूं, वो एक दिन, दो दिन, पांच दिन, दस दिन की प्रैक्टिस का नहीं है, वो 15-20 साल की परिश्रम है हनीमैन का, एक्सपेरिमेंटेशन है, लॉजिकल बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स करके, पेशेंट्स पे देख के, पेशेंट को ठीक करके फिर लिखा गया। और लिखा एक बार नहीं किया, एक बार लिखा, दूसरी बार उसको और इंप्रूव किया, तीसरी बार और, चौथी बार और, पांचवी बार और छठवीं बार और, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। हर साल, हर दो तीन साल में हनीमैन नई चीजें सीखते थे और नए इंप्रूवमेंट्स लाते थे मेथड में, क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखते रहते थे, और फिर आपकी ऑर्गेनॉन जो आज आप पढ़ते हैं वो बनी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चंस पूछ लो आप लोग।